Hello everyone, today we are going to talk about microbiology of bread and what are the basics of bread making procedure. So let's have a look. Bread making procedure actually kya hai? It converts tasteless grains into most appealing products. Hum jante hain ki sabse pehle raw material kya hai, wo hai grain. Wheat ho gayi, rye ho gayi, usko pehle flour mein convert kiya, uske baad dough banaya uska aur uske baad jo product hai wo hamare haath mein aata hai. जस्ट लाइक रोटी, सबसे पहले हम आटा गूंथते हैं, उसके बाद रोटी पकती है. बट रोटी और ब्रेड में फ़र्क क्या है? वी कुक रोटी, बट ब्रेड क्या है? एक बेक्ड प्रोडक्ट है. तो आज हम देखते हैं कि बेकिंग और कुकिंग में डिफरेंस क्या है. बेकिंग इज कुकिंग अंडर ड्राई हीट एट हाई टेम्परेचर. आई हैव हाईलाइटेड दिस वर्ड, दैट इज ड्राई हीट. कुकिंग में हम जानते हैं कि जब हम वेजिटेबल्स कुक करते हैं या कोई पल्सेस कुक करते हैं तो वी ऐड वाटर एंड प्रोवाइड हीट, सो दैट इज़ कुकिंग. बट बेकिंग एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कैसी होती है? ड्राई हीट होती है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कुकिंग एंड बेकिंग. बट नाउ वी नो कि रोटी है, उसका जो सर्फेस है वो फ्लैट होता है. बट ब्रेड हम अगर देखें तो वो स्पंजीनेस होती है उसमें, वो कैसे आती है वो हम देखते हैं. सो रोटी वर्सेस ब्रेड, ब्रेड इंक्रीजेज इन साइज, उसका जो वॉल्यूम है, डो का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है. और वो कैसे होता है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 इन द डो. हमने जो डो प्रिपेयर किया है, अगर उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, इसका मतलब गैस उसके अंदर जो है वो इकट्ठा हो रही है, और वो गैस की वजह से जो डो का साइज़ है वो इंक्रीज हो गया, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ ब्रेड, उसका भी वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर हमको प्रोडक्शन ऑफ CO2 से ही मिलता है. लेकिन ये CO2 का प्रोडक्शन है वो होता कैसे? दैट्स बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जो कि माइक्रोब्स करते हैं, और उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2. सो एक एग्जांपल दिया है इधर, बेकर्स यीस्ट, वेरी कॉमन नेम, उसको हम यूटिलाइज करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में. सो अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी प्रोसीजर होती है. सो द फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स जो है डो बनाने के लिए, वो हमें कौन से चाहिए? वो पहले हमको गैदर करने हैं, विच आर फ्लोर, वाटर, लीवनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट. जो आटा हमें चाहिए वो चाहिए, फिर पानी, उसके बाद लीवनिंग एजेंट. लीवनिंग एजेंट यानी कौन सा माइक्रोब जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए, दैट इज़ लीवनिंग एजेंट. एंड द अदर इज़ फ्लेवरिंग एजेंट, कोई सॉल्ट या शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम अगर डालते हैं तो वो होता है फ्लेवरिंग एजेंट. उसके बाद है डो फॉर्मेशन, आटा गूंदना. उसके बाद थर्ड वन इज़ डो प्रोसेसिंग. अब इसके अंदर हमने लीवनिंग एजेंट डाला है तो प्रोसेस करने का टाइम हमें देना पड़ेगा, दैट इज़ फर्मेंटेशन का टाइम देना पड़ेगा. तो उस टाइम पे फर्मेंटेशन की प्रोसीजर होगी और लीवनिंग होगी. लीवनिंग यानी वॉल्यूम का राइज होना, तो वो होगा डो प्रोसेसिंग. उसके बाद डो प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद हम उसको बेक करवाएंगे इन अ हाई टेम्परेचर, इन अ ड्राई हीट. ठीक है, उसके बाद लास्ट वन जो है उसके वो है फाइनल प्रिपरेशन, दैट इज़ पैकेजिंग एंड स्टरलाइजेशन. तो यहाँ पे मैं कमर्शियली या फिर इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर होता है उसके मैंने स्टेप्स बताए हैं. तो फाइनल प्रिपरेशन के अंदर पैकेजिंग होगी इसके बाद, एंड दैट इज़ एंड लास्ट में होगी स्टरलाइजेशन. सो सबसे पहले देखते हैं कि रॉ मटेरियल हमें कैसा चूज़ करना है. ठीक है, तो रॉ मटेरियल एंड डो मेकिंग, सबसे पहले तो बात आएगी कि ग्रेन कौन सी चूज़ करनी है. तो वी हैव वेराइटीज़ ऑफ ग्रेन आउटसाइड देयर, बट वी कैन चूज़ वीट और आइदर राई फॉर ब्रेड मेकिंग. ठीक है, या फिर हम वीट चूज़ कर सकते हैं, राई चूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आटा जो है वो पीसा जाएगा और इसके अंदर बनेगा फ्लोर. देन नीडिंग ऑफ डो, अभी इस फ्लोर को लेकर नीडिंग होगी किसके साथ? फ्लोर, लीवनिंग एजेंट दैट इज़ द माइक्रो विच आर यूजिंग, वाटर एंड द फ्लेवरिंग
agents, salt or either sugar, whichever you prefer. But अब ये देखना है कि कंटेंट क्या होता है वीट के अंदर, क्योंकि वीट से हम कर रहे हैं सारी प्रोसीजर इफ सपोज, तो इसके अंदर कंटेंट क्या होता है. तो वीट के अंदर दो कंटेंट्स होते हैं जो ब्रेड मेकिंग प्रोसीजर में हम बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. फर्स्ट इज स्टार्च एंड द सेकेंड इज ग्लूटेन. सो स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूटेन इज अ प्रोटीन इनसाइड द वीट. आगे के प्रोसेस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताऊँगी. So now we are going to see what is the exact conditions in the fermentation. So fermentation and leavening. First of all, ये देखते हैं कि fermentation actually है क्या. So in this case, fermentation is a production of CO2 by utilizing sugars. Sugar को utilize करके जब CO2 का production होता है तब इसको बोलते हैं fermentation process. But it is carried out by whom? Yeast. And as I told you, baker's yeast is a very common example of yeast. So baker's yeast ka scientific name hai Saccharomyces cerevisiae. It's a very common yeast which is used industrially in bread making. Okay, so fermentation humko pata chal gaya ki fermentation kya hai, ki sugar ko utilize karna aur CO2 ka production dough ke andar karna. But abhi sugar hame chahiye na, to dough ke andar sugar kahan se aayega. So, yeast जो है जो sugar utilize करेगी wheat के अंदर से वो होगा wheat का carbohydrate, that is starch. Starch as a sugar is substrate of yeast and it converts it into CO2. Starch को utilize करेगी yeast, उसको break down करेगी and उसके बाद fermentation process से CO2 dough के अंदर develop होना शुरू होगा. बट अभी ये तो CO2 है, ये गैस है, सो इट कैन इवेपोरेट. डॉ के अंदर नहीं भी रह सकता है ये. बट डॉ के अंदर कैसे वो रह जाता है? सो अदर कॉम्पोनेंट ऑफ डॉ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, ग्लूटन. ग्लूटन इज़ अ प्रोटीन ऑफ वीट, ठीक है. सो ग्लूटन हैज़ अ एबिलिटी टू होल्ड CO2 इनसाइड द डॉ. ग्लूटन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो CO2 को होल्ड कर पाए डॉ के अंदर, एंड दैट इज़ वाई जब CO2 इतना ज़्यादा गैदर होने लगेगा डॉ के अंदर तो उसका जो वॉल्यूम है वो गैस की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड फाइनली जब हम बेकिंग करेंगे तब वो पोरस एंड स्पंजी स्ट्रक्चर हमको मिलता है. सो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसके लिए भी सर्टन कंडीशंस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल. तो कौन सी कंडीशन है? दैट इज़ एनारोबिक कंडीशन. यीस्ट जो है वो तभी काम करेगा जब उसको एनॉक्सिक एनवायरनमेंट, दैट इज़ एनारोबिक कंडीशन मिले. एंड सेकेंडली जो टेम्परेचर होगा उसका वो होगा 25 to 30 degrees Celsius. ठीक है, अब जब फर्मेंटेशन और लीवनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, एक बार लीवन हो गया डॉ, एक बार इंक्रीज हो गई साइज, तो उसके बाद इंडस्ट्रियली 2-3 प्रोसेस होती है विच इज़ स्लाइसिंग ऑफ द डॉ एंड मोल्डिंग. एक सर्टन शेप उसको दिया जाता है एंड उसके बाद उसको बेकिंग में डाला जाता है अवन में. नाउ द लास्ट स्टेज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इज बेकिंग. तो बेकिंग में कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है वो हमें मिलता है? सो इट इज़ बेक टू अराउंड 75 degrees Celsius टेम्परेचर इन द अवन. टेम्परेचर कितना होता है? 75 degrees Celsius और आइदर 100 degrees Celsius तक भी अवन का टेम्परेचर पहुंचता है कुछ कुछ कंडीशंस में. सो एट दिस स्टेज मॉइस्चर इज लॉस्ट फ्रॉम द ग्लूटेन. अभी जो ग्लूटेन प्रेजेंट है, जो प्रोटीन है उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है ना वो रिलीज हो जाएगा, और इसी की वजह से जो ब्रेड जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत ड्राई फॉर्म में होता है, वाइल जो डो है उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है. अब द गैस एक्सपेंस एंड वॉल्यूम अगेन राइजेस. इस कंडीशन में वापस गैस का जो ना एक्सपेंशन वो चलता रहेगा एंड अगेन द वॉल्यूम राइजेस एंड राइजेस. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपन्स इन द बेकिंग इज कैरमलाइजेशन ऑफ शुगर्स. मतलब शुगर का और ब्रेक डाउन होगा और उसी की वजह से ब्राउनिंग हमें ब्रेड के ऊपर के सर्फेस में मिलेगी,
एंड जो ऊपर का सरफेस है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, विच इज़ थिक एंड वेरी क्रम्बली काइंड ऑफ टेक्स्चर. नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग कंपाउंड इन यीस्ट. तो जो टिपिकल फ्लेवर हमें आता है ब्रेड के अंदर वो प्रोवाइड करता है यीस्ट खुद, क्योंकि उसके पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर. तो ये फ्लेवरिंग कंपाउंड्स हैं थायमिन एंड थायमिन डाइफॉस्फेट. तो अब तक हमने देखा कि ग्रेन से लेकर ब्रेड का जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है उस हर स्टेज में क्या क्या कंडीशंस होती है और कैसे ये प्रोसीजर होती है.